बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ केबीसी यानी कैसे बने कंप्यूटर मास्टर। फ्रेंड्स, केबीसी में पूछे गए सभी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे CCC, UPPCL, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड में आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यदि ज्यादा समय चाहिए आपको तो वीडियो स्टॉप करके आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और आंसर को गेस कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों के एपिसोड का रूल है कि जो भी फ्रेंड्स हमारे स्पेशल क्वेश्चन के राइट आंसर को कमेंट सेक्शन में देगा वो हमारे उस एपिसोड का विनर अनाउंस्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पिछले एपिसोड के विनर हुए हमारे बीकॉम ई-लर्निंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप हमारे इस एपिसोड के विनर हुए और आपको कंप्यूटर मास्टर अनाउंस्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, आप भी हमारे प्रत्येक एपिसोड के कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे स्पेशल क्वेश्चन को अटेंड करना होगा। अटेंड करने का रूल ये है कि आप स्पेशल क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में vcom@rightanswer लिखकर ही सेंड कीजिए। और फ्रेंड्स, आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अबेकस वाज़ द फर्स्ट यानी अबेकस क्या था? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी मैकेनिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और ऑप्शन डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए कैरेक्टर कोड, ऑप्शन बी बाइनरी कोड्स, ऑप्शन सी बाइनरी वर्ड्स एंड ऑप्शन डी है पैरिटी बिट्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बाइनरी कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी ओनली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन सी सिक्स्थ जनरेशन एंड ऑप्शन डी है सेवेंथ जनरेशन। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी यानी फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर कौन से हैं कंप्यूटर? ऑप्शन ए IBM 650, ऑप्शन बी IBM 360, ऑप्शन सी IBM 1130 एंड ऑप्शन डी है IBM 2700।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए आईबीएम 650। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, मीन्स कौन सी डिवाइस के थ्रू हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन बी माउस एंड डिजिटाइजर, एंड ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव, यानी ए बी सी तीनों एक डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बी सी डी इज, यानी बी सी डी का फुल फॉर्म क्या है। हमारा ऑप्शन ए है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी है बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन सी है बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड ऑप्शन डी है बिट कोडेड डिजिट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय हुम, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर लैपटॉप कब इंट्रोड्यूस किया गया और किसके थ्रू किया गया। ऑप्शन ए है हॉलेट पैकबर्ड इन 1980, ऑप्शन बी है ऑस्बर्न 1981, ऑप्शन सी है लैपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर 1982, एंड ऑप्शन डी है 10D मॉडल 200 1985। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्बर्न 1981। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड किया गया। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, एंड ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। लास्ट क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जल्दी से हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को गेस कीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है ए फील्ड, बी वर्ड्स, सी इंफॉर्मेशन, डी फाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्वयं राइट आंसर बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन है। जो भी हमारे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उनका नेम जो है नेक्स्ट एपिसोड में अनाउंस्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा रहा ये हमारा एपिसोड, प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने के लिए इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।